मैं श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। हमारे सभागार में उपस्थित हमारे जो भी स्वामी जी हैं, सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, वक्ता हैं, और सभी लोग जो सभागार में उपस्थित हैं और जो लाइव डिजिटल माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस आयोजन को देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज राजकोट आश्रम में आप सभी से यह संवाद स्थापित कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले एक वर्ष मैं यहाँ था नहीं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में था, और पिछले दो वर्षों से ऐसी स्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का कोई आयोजन हो पाए। तो इस कारण बहुत दिनों के बाद मंच पर होना, आप सभी के सम्मुख होना स्वयं में एक सौभाग्य है, यह एक आशीर्वाद है। मैं राजकोट आश्रम मेरे लिए विशिष्ट इस कारण है क्योंकि यहीं पर मेरी मंत्र दीक्षा हुई थी। श्रीमद् स्वामी गौतमानंद जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, उनसे मुझे मंत्र दीक्षा यहीं पर मंदिर में मिली। तो हर प्रकार से हार्वर्ड से लौटने के बाद पहला जो इस प्रकार का कोई आयोजन है वहाँ आकर बोलने का सौभाग्य मिले और वो राजकोट में मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरह से मैं परिवार में वापस आया हूँ, तो एक साल की अमेरिका की बहुत कहानियाँ भी समेट कर लाया होगा, तो मैंने आज सोचा है कि एक दो कहानियाँ ही पहले रख दूँ और उसी के साथ जो स्वामी जी का विचार है वो सामने रख पाऊँ। आप सभी को मालूम है कि कोविड के बीच मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो है कौन बनेगा करोड़पति। उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया होगा, उन्होंने मुझे गेस्ट एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया। जब आमंत्रित किया तो उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें उन्होंने यह भी देखने का प्रयास किया कि मैं कहाँ बैठकर जवाब दूंगा, किस जगह पर बैठूंगा ऐसा। तो मैंने पूछा कहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि मैं कार्यालय में बैठकर काम करता हूँ, अक्सर वहीं सो भी जाता हूँ। हमारा कार्यालय वैसा नहीं है जैसा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का होता है। तो उन्होंने कहा कि किसी ऐसे जगह बैठिए जहाँ बगल में फूलों का गुलदस्ता हो या कोई अच्छी सी पेंटिंग हो। तो मैंने कहा कि हमारे कार्यालय में तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी की तस्वीरें हैं, स्वामी जी की मूर्तियां हैं, और स्वामी जी के जो भी उपदेश हैं, जो भी विचार हैं वही हैं। तो आप तय कर लीजिए मैं कहाँ बैठूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप फ़ोटो दिखाइए, फ़ोटो खींच कर भेजिए कि आपका डेस्क कैसा दिखता है, फिर हम तय करके बताएंगे कैसा रहेगा। तो मैंने भेज दिया और ये उनका बड़प्पन था, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, अगर आप यहीं बैठते हैं रोज़ तो आप यहीं से ये सवाल जवाब कीजिएगा। तो ये क्रम शुरू हुआ और जैसा कि महाराज ने बताया, मेरे लिए सौभाग्य था। अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसके बहुत कारण है, उसमें से एक कारण यह भी है कि वो सामने वाले को हमेशा अपने से बड़ा मानते हैं, दिखाते हैं। परंतु मेरे साथ बातचीत के क्रम में मुझे उनका स्नेह तो बहुत मिला ही, वो स्वामी जी को देखकर और भी ज़्यादा प्रभावित प्रफुल्लित हमेशा रहते। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई भी गेस्ट आता था तो वो ज़रूर बताते थे कि ये शरद सागर हैं, ये रोज़ यही ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहनते हैं, ये स्वामी जी से प्रभावित हैं, और इनके पीछे देखिए वो जो स्वामी जी की तस्वीर है ये हमेशा रहती है इनके पास। तो यह क्रम एक दो साल चला। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं 2016 में जब अमेरिका से पढ़कर लौटा था, उस समय हार्वर्ड से एक मास्टर्स डिग्री का प्रस्ताव था जो मैं उस समय छोड़कर आ गया था, सोचा था बाद में कभी जाऊंगा। और 2021 के आसपास ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर सारी चीज़ें अभी डिजिटल चल रही थी और हार्वर्ड इन पर्सन चालू हो रहा था। तो ऐसी प्रेरणा आई कि जाकर मास्टर्स डिग्री पूरी कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर वापस काम में लग जाएंगे। तो मैं चला गया। मुझे लगा कि हो सकता है अब मुझे कौन बनेगा करोड़पति वाले नहीं बुलाएं। मैं अभी पहुंचा ही था कि पता चला कि KBC का नया सीज़न शुरू हो रहा है। उन्हें चाहिए था कि भाई मैं वहाँ चला गया हूँ पर तब भी मैं जुड़ा रहूँ। तो ठीक अगले दिन पहले एपिसोड की शूटिंग थी और मेरे पास स्वामी जी थे नहीं। तो मैंने सोचा कि पिछले एक दो साल इतने प्रेम से अमिताभ बच्चन जी ने स्वामी जी को खोजा है, उनके बारे में बोला है, ये तो बोलेंगे कि ये भारत से अमेरिका गया तो सबसे पहले इसने जिसने छोड़ा वो स्वामी जी थे। जबकि हम तो अमेरिका में बॉस्टन को पुण्यभूमि मानते हैं, स्वामी जी सबसे पहले बॉस्टन आए, और हार्वर्ड को तो हम और भी मानते हैं, आशीर्वादित है, क्योंकि हार्वर्ड में वो वहाँ पर उन्होंने लेक्चर्स किए, तीन तीन लेक्चर किए। मेरा सौभाग्य था कि मैं जहाँ रहता था वो स्वामी जी ने एक लेक्चर जहाँ किया था उससे बस 100 कदम की दूरी पर था। मैं जहाँ भोजन करता था
वो वही बिल्डिंग थी जहाँ पर स्वामी जी ने एक और लेक्चर किया था, और जहाँ पढ़ता था वो वही कॉर्ड था जहाँ स्वामी जी ने एक और लेक्चर किया था। तो ये हम तो उसे पुण्य भूमि मानते हैं। अब मैं पहुँचा हूँ, बस यहाँ से भारत से अमेरिका पहुँचा हूँ, फ़ोन आया है कल को शूटिंग है तो क्या करना है। तो मैंने सोचा मैं वेदांता सोसाइटी चला जाता हूँ बॉस्टन, वहाँ जाकर किसी तरह स्वामी जी की कोई एक पिक्चर लेकर आऊँगा। मैं करते करते गया, वहाँ जब पहुँचा तो कोविड के कारण सब कुछ बंद था। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना स्वामी जी ने की थी, कोविड के कारण सब कुछ बंद था। मैंने कहा कि अगर कुछ भी स्वामी जी का एक पोर्ट्रेट मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो वहाँ जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो हम वो पोर्ट्रेट वगैरह नहीं सेल करते हैं, पर और अभी मंदिर भी बंद है, सब चीज़ बंद है कोविड के कारण, तो आप बाद में आइएगा। मैंने कहा मैं तो बहुत उम्मीद से आया था, और मैं दीक्षित हूँ, श्रीमद् स्वामी गौतमानंद जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बोला एक सेकंड रुक जाइए, वो अंदर गए, प्रसाद लेकर आए, प्रसाद दे दिया, बोला कि ठीक है। और फिर मैं अब सोचा अब क्या करूँ, काम तो हुआ नहीं। तो मेरी ये एक शायद अच्छी आदत है, ऐसे बुरी आदत कहकर मैं बोलने वाला था, पर शायद अच्छी आदत है। मैंने मन ही मन कोसा, क्या स्वामी जी आपका फ़ोटो खोजने आया था, आपने भगा दिया प्रसाद देकर। तब तक ऐसी प्रेरणा है कि स्वामी जी को क्यों बोल रहे हो, कैब वाले को बोलो। तो मैंने कैब वाले को बोला कि हमारे भारत में एक स्वामी जी हैं, मैं उनकी तस्वीर खोजने आया था, इस जगह की स्थापना उन्हीं से हुई है, उसी जगह की शाखा है ये, मैं उनकी तस्वीर खोजते खोजते यहाँ तक आया था, मिली नहीं, तो मैं हार्वर्ड गया था। ठीक है, हार्वर्ड को मानते हैं काफ़ी तेज लोगों की जगह। कैब वाले ने मुझे बोला कि आपके स्वामी जी की तस्वीर इंटरनेट पर नहीं है। मैंने बोला हाँ है। तो उसने बोला एक जगह है मैं जानता हूँ, अगर इंटरनेट पर है और अगर आपके पास एक घंटा समय है तो चलिए मैं प्रिंट करवा देता हूँ, एक अच्छा पोर्ट्रेट बन जाएगा। मैंने बोला ये बात तो ठीक है। मैंने मोबाइल में निकाला, गए वो सही में, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास आधा एक घंटा है। मैंने कहा 4-5 घंटा है, रात तक बस आप तैयार कर दीजिए। तो वहीं पर वो तैयार हुआ, स्वामी जी का पोर्ट्रेट वापस कमरे में गया। और आपने अगर देखा होगा शो तो स्वामी जी का एक काफ़ी अच्छा एकदम ग्लोइंग रेड और सैफ्रन टाइप जो पिक्चर है वो वैसे ही बना था। ये पहली कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो स्वामी जी रहे केबीसी में, और इस बार एक छोटा बच्चा आया था शो में अरुणोदय करके, तो उसे जैसे ही अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि और ये शरद जी हैं, और पीछे बोला हाँ हाँ स्वामी जी हैं मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार का रहा। कुछ सप्ताह बाद मैं पहला भारतीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुनकर आया। मीडिया के साथ ही कुछ इंटरव्यू करना चाहते थे, तो किसी एक ने पूछते पूछते इसी शब्दावली में पूछा कि आप भारत से गए 12 साल तक, कोई औपचारिक रूप से स्कूल नहीं गए और सामान्य परिवार से आते हैं, ये मन में ये कहाँ से आ गया कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपके पीछे कौन था, क्या प्रेरणा रही? तो मेरे ठीक पीछे स्वामी जी थे। मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि मेरे पीछे जो दिख रहे हैं वही थे, स्वामी जी थे, स्वामी जी ने प्रेरणा दी, स्वामी जी आकर लेकर आए और स्वामी जी के कारण मैं आगे बढ़ा। तो ये दूसरी कहानी थी। ये दोनों कहानी मिलाकर बात यह है कि भारत में आप कहीं भी रहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सकारात्मकता से भरे हुए हो या नकारात्मकता में डूब रहे हो, यह अनिवार्य है कि आप स्वामी जी को उठाकर पढ़ें। अगर सकारात्मकता से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो दिशा मिल जाएगी। नकारात्मकता में डूब रहे हैं तो पूरी सकारात्मक ऊर्जा अंदर भर जाएगी, एक अच्छी दिशा मिल जाएगी और आपको जीवन जीने का उद्देश्य मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो भी ऐसे युवा सम्मेलन में जाते हैं, कहीं भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में, वो हमेशा कोई भी वहाँ पर अतिथि आए, कोई भी वक्ता आए, एक ही सवाल पूछते हैं, जीवन में उद्देश्य कहाँ से मिलेगा, मैं बहुत नकारात्मक चल रहा हूँ, जीवन में सकारात्मकता कहाँ से आएगी। इन सारे सवालों का एकमात्र अगर कोई जवाब है तो वो स्वामी जी हैं, स्वामी जी का जीवन है, स्वामी जी का उपदेश है। स्वामी जी ने जो कुछ भी कह दिया और कर दिया वो हजारों वर्षों तक राष्ट्र को मार्गदर्शन करने के लिए काफ़ी है, और काफ़ी ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि बड़े बड़े लोग कुछ वर्षों के बाद या कई वर्षों के बाद थोड़े परेशान होने लगते हैं। तो जैसे भोजन हर दिन लेते हैं, स्वामी जी के विचारों को हर दिन पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। अब बात है स्वामी विवेकानंद एंड यूथ लीडरशिप। स्वामी विवेकानंद को लेकर हम कैसे नेतृत्व दे सकते हैं?
तो सबसे पहले तो इस बात को मन में स्पष्ट रखना चाहिए कि नेतृत्व का मतलब किसी पद की प्राप्ति के बाद कुछ करना नहीं है। नेतृत्व का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति एक दिन में बन जाना नहीं है जो समाचार पत्रों में छपता हो या रोज टेलीविजन पे दिखता हो, वही नेतृत्व कर सकता है। इस विचार को त्यागना चाहिए। नेतृत्व का मतलब है घर परिवार में आसपास में कोई व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, कोई बच्चा है जो या तो स्कूल नहीं जा रहा है या अच्छे स्कूल नहीं जा रहा है, आसपास में ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है जिस कारण रोज किसी प्रकार से शांति भंग होती है, इन सारी परिस्थितियों में जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपकी सक्षमता है, जो भी आपके विचार हैं, उनके माध्यम से आप कुछ कर पाए, यह नेतृत्व है। मेरा सौभाग्य है पिछले 14 वर्षों से मैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम की एक संस्था भारत में, उस संस्था के माध्यम से किशोरों और युवाओं के साथ काम करता हूं। संस्था शुरू ही इस कारण हुई क्योंकि स्वामी जी का एक विचार बड़ा ही शक्तिशाली रहा है। स्वामी जी कहते थे कि 100 अच्छे लोग चाहिए। अब वैसे जो 100 अच्छे लोग हैं, ये हम समाज में तैयार भी कर सकते हैं और उनमें से एक होने का प्रयास भी कर सकते हैं। समय के साथ हो सकता है कि 100 के जगह अब 10,000 लोगों की आवश्यकता हो सकता है 10,00,000 लोगों की आवश्यकता हो। हम अगर 10,00,000 की आवश्यकता हो, 10,000 की आवश्यकता हो, 100 की आवश्यकता हो, उसमें एक होने का प्रयास करें। तो हम इन बच्चों को, जो ये किशोर और युवा हैं जिनकी थोड़ी सी बात रखी भी गई, हम इन्हें क्या बताने का प्रयास करते हैं? हमने क्या किया है, बड़े ही प्रेम से अभी 2 दिन पहले इन बच्चों का, देशभर से 100 बच्चे लगभग आए थे, 20 राज्य से थे, उनका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा था। हम उन्हें नेतृत्व, उनके अंदर नेतृत्व निर्माण, चरित्र निर्माण, ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं, उन्हें ऐसा अवसर देते हैं कि वे विश्व के अनेक उदाहरणों को देखें और अपने अंदर की सक्षमता को पहचानें और कुछ उद्देश्य तय करें और ध्येय निष्ठा के साथ वो उस दिशा में लग जाएं। इसमें उनके जो दीक्षांत वक्ता थे, जो उनके स्नातक वक्ता थे, वे नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी थे। अभिजीत बैनर्जी ने जिन्हें 2 दिन पहले काफ़ी अच्छी बात रखी, आत्मश्रद्धानंद जी महाराज अभी ठीक उसी बात को सामने रख रहे थे कि अंग्रेजों ने भारत में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था तय की और तैनात की, वह ऐसी थी कि उन्हें अपने जिस प्रकार के क्लर्क चाहिए वो तैयार हों। उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर गणित में फेल करने वाला व्यक्ति श्रीनिवास रामानुजन थे, क्योंकि उन्हें श्रीनिवास रामानुजन की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें उनके 2+2=4 के करने वाले लोगों की आवश्यकता थी कि हमने अंग्रेजी में जो चिट्ठी लिख दी उसे ये हिंदी और बाकी भाषा में अनुवाद कर दें, हमने जो भी विक्टोरिया की सल्तनत से जिस प्रकार का संदेश भेज दिया उसे ये यहाँ पर लागू कर पाए, हमने 2+2 का जोड़ दे दिया ये 4 कर पाए। परंतु शिक्षा का न वह उद्देश्य है, न शिक्षा की वह परिभाषा है। इस शिक्षा की बात स्वामी जी विस्तार से अपने विचारों में बार बार करते हैं और कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं भारत में जहां सौभाग्य है कि वे विद्यालय के बाहर इसे किसी पट पर लिख कर रखते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। कभी कभी दुर्भाग्य है कि जो अपने विद्यालय के बाहर स्वामी जी के विचार लगा कर रखे हैं वो अंदर में उसे नहीं तैयार कर पाते हैं, उसे नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो हम संगठन में स्वामी जी के विचारों को लेते हुए बड़ी ही सरलता से नेतृत्व की हमने एक परिभाषा तैयार की। हम नेतृत्व की परिभाषा यह कहते हैं, लीडरशिप इज योर अबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू थ्रू वॉट एवर लिमिटेड एक्सपर्टीज यू हैव। नेतृत्व अपनी योग्यता से समाज पर किसी भी प्रकार का प्रभाव या समाज में किसी भी प्रकार का योगदान देना है। वह योगदान क्या हो सकता है? आप 5 वर्ष की आयु के थे और छोटा भाई या बहन 3 वर्ष या 2 वर्ष की आयु का था, आपको एकमात्र कुछ चीजें ही आती थी, उसमें से एक चीज जो आपको मालूम थी वो थी कि चलना कैसे। तो 5 साल का बच्चा चल सकता है और 2 साल के बच्चे को वो हाथ पकड़कर चलाता है। जो 5 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे को हाथ पकड़कर चला रहा है वह नेतृत्व है। वह 5 साल का बच्चा 15 साल का हो जाएगा, अब उसे चलने के अलावा लिखना आता है, कोई और व्यक्ति है जो लिख नहीं सकता, उसके लिए वह एक आवेदन पत्र लिख देता है, वह नेतृत्व है। वह बच्चा कल को 25 वर्ष की आयु का हो जाएगा, अब उसे शोध के क्षेत्र में कुछ करना आता है, रिसर्च करना आता है, वो समाज में जाकर या किसी प्रयोगशाला में जाकर कोई नई चीज लेकर आएगा, कोई नया विचार लेकर आएगा, वह करना वहां नेतृत्व है।
कल को वही बच्चा 35 पर, 45 पर, 55 पर, 65 पर, अलग अलग आयु पर, अलग अलग तरह से, जिस तरह से योग्यता बढ़ती जाएगी, सक्षमता बढ़ती जाएगी, योगदान बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो इस कारण 55 के, 65 के होने की, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अधिकारी होने की, इस प्रकार की चीजों का इंतजार ना करें। जहां पर हैं वहीं पर आपकी जो भी भूमिका हो सकती है, आपका जो भी योगदान हो सकता है, वो करें। नहीं तो उस व्यक्ति का चलना बेकार है जो किसी और के लिए चल नहीं सकता, उस व्यक्ति का लिखना बेकार है जो किसी और के लिए लिख नहीं सकता, उस व्यक्ति का वो रिसर्च बेकार है जो किसी के काम नहीं आता, उस व्यक्ति का वो पद बेकार है जिस पद पर बैठने के बाद किसी और को पीड़ा होती हो। तो इसलिए बिना किसी भी बहुत बड़े परिभाषा में गए हुए अपने आप को समाज के लिए लाभदायक बनाना, यह लक्ष्य होना चाहिए। अब इसमें स्वामी जी बहुत अच्छी एक परिभाषा देते हैं देशभक्ति की। मुझे लगता है देशभक्ति की वह परिभाषा हम सभी को हर कुछ सप्ताह पर एक बार पुनः उस पर विचार करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि देशभक्ति की मेरी भी एक परिभाषा है, और उस परिभाषा में वो तीन चीजों की बात करते हैं। आप में से कुछ लोग इसे पहले भी सुने होंगे और कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। आज आप देखते हैं तरह तरह के वाद विवाद होते हैं, इन सारे चीजों में पढ़ने से बेहतर एकदम प्रेम से, शांति से इस चीज को मन में रखना अनिवार्य है। स्वामी जी कहते हैं, वो तीन सवाल पूछते हैं। वो पहला सवाल उनका है कि अपने ही देश में, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, पहला सवाल उनका है, अपने ही देश में किसी दरिद्र व्यक्ति को देखकर, किसी भूखे व्यक्ति को देखकर, अपने ही भाई बहन को कष्ट में देखकर क्या तुम्हें पीड़ा होती है? ये सोचने वाली बात है। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आसपास कोई आपको गरीब दिखता है, छोटा बच्चा दिखता है, कोई व्यक्ति बीमार दिखता है, असहाय दिखता है, इससे क्या आपको उसी समय पीड़ा होती है या नहीं? अगर वो पीड़ा होती है तो देशभक्ति का जो, देशभक्ति की जो पहली शर्त स्वामी जी रखते हैं, वो आप ठीक ठाक जी रहे। परंतु स्वामी जी आज से 125 साल पहले, आज से 150 साल पहले, बिना किसी बड़े बिजनेस स्कूल, पॉलिसी स्कूल, ऐसे जगहों पर गए हुए, उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिए हैं, उन्होंने जो थ्योरीज दिए हैं, उन्होंने जो मॉडल्स दिए हैं, वो उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल और उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो फ्रेमवर्क दिया है। नंबर वन, आप सब क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? पहला नंबर, आपको पीड़ा होती है देश में पीड़ा देखकर? ठीक है। तो स्वामी जी कहते हैं, पर इतना ही बहुत नहीं है। जो दूसरी बात वो कहते हैं, वो बोलते हैं, सिर्फ तुम्हें पीड़ा होती है या तुमने कुछ युक्ति भी सोची है, तुमने कुछ उपाय भी सोचा है? आपने देखा कि कोई बच्चा है, स्कूल के बाहर है, बहुत दुख हो गया, बाप रे ये तो स्कूल के बाहर है, तो बहुत दुख की बात है, और फिर अपने कॉलेज चले गए। आपने किसी को देखा, वो भूखा है, और आप अपना चुपचाप, बहुत भूखा है बेचारा, पीड़ा हो गई, पर अपने आप चले गए वो KFC और मैकडोनल्ड्स कहाँ भी। तो स्वामी जी कहते हैं, नहीं, सिर्फ पीड़ा होना ही काफ़ी नहीं है, आपने क्या कोई उपाय सोचा है? और ऐसे उपाय बहुत लोगों ने सोचे हैं। विक्रम साराभाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़कर आए, एक तरफ उन्होंने IIM की स्थापना में मदद की, एक तरफ उन्होंने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की स्थापना में मदद की, एक तरफ उन्होंने इसरो की स्थापना में मदद की, त्रिभुवनदास पटेल, वर्गीस कुरियन, ऐसे लोगों ने अमूल की स्थापना में मदद की, ई श्रीधरन ने भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदल दिया, दिल्ली मेट्रो लेकर, कोंकण रेलवेज लेकर, बहुत, राष्ट्रपति कलाम ने इतने सारे काम किए। तो इन सारे लोगों ने अपनी शिक्षा से वो योग्यता प्राप्त की, और उस योग्यता से कोई ऐसा उपाय सोचा जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके, लोगों को उससे कुछ लाभ हो सके। तो दूसरी जो बात है वह यह है कि उस उपाय को सोचना है। आप में से कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, आज वो छोटा सा उपाय होगा, दो बच्चों को पढ़ाते होंगे, कल हो सकता है विद्यालय शुरू करें, कल हो सकता है नई नीतियां लिखें, कल हो सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बार में करोड़ों लोगों को पढ़ाएं। तो ये दूसरी बात है। स्वामी जी जो तीसरी बात कहते हैं, वो यह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें किसी असहाय को लेकर, दरिद्र को लेकर पीड़ा होती है, ठीक है, तुमने कोई उपाय सोचा है, पर जो तीसरा शर्त है वह भी हमें मन में रखना है। वो कहते हैं, इस युक्ति को लागू करने में, इस उपाय को पूरी तरह से स्थापित करने में, इस काम में लग जाने पर अगर लोग आपके विरोध में हाथों में नंगी तलवारें लिए भी सामने आए, तो भी अगर आप चलने को तैयार हो, तब आप देशभक्त हैं।
तो स्वामी जी के माध्यम से जिस युवा नेतृत्व को हम तैयार करना चाहते हैं उसे इन तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हम हमेशा सोचें कि हमें पीड़ा होनी बंद हो गई है क्या। इंस्टाग्राम पे हम न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं, हम डिसेंसिटाइज तो नहीं हो गए हैं कि भाई हम देखते हैं कोई भूखा है, कोई असहाय है, कोई दरिद्र है, कोई बीमार है, पर हमें कोई अंतर नहीं आता। वो अंतर आते रहना चाहिए और सिर्फ उस अंतर आने तक नहीं रुकना है, जो भी अंतर आए उससे कोई उपाय सोचना चाहिए। इसे हम क्या कर सकते हैं, हम दो चार लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं भारत के अंदर कि स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, दो चार बच्चे मिलकर आसपास कहीं जाकर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, दो चार बच्चे मिलकर जाकर अस्पताल में कुछ खाना पहुंचा कराते हैं या कुछ सेवा देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो किसी समाजसेवी संगठन में जाकर अपना कुछ समय देते हैं। इस प्रकार की छोटी गतिविधियां आज से करने से चरित्र का भी निर्माण होगा, नेतृत्व का भी निर्माण होगा और जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी वैसे वैसे ईश्वर आपसे और भी काम लेंगे। तो ये तय रखना है। और जो तीसरा है, स्वामी जी ने कहने के लिए तो बड़े आराम से कहा कि लोग हाथों में नंगी तलवारें लेकर आ जाएंगे, सारे लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो भी ये काम करोगे क्या। और मुझे मालूम है आप सभी देशभक्त हैं तो आप हाँ तो कहेंगे, पर उसके लिए भी जो शक्ति है कि सारे लोग जब विरोध में आ गए, सारा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो गया, तो वो शक्ति स्वामी जी को पढ़ते रहने से आएगी, स्वामी जी के उदाहरण को याद रखने से आएगी। और इस कारण अनिवार्य है कि पहले दूसरे और तीसरे काम को करते हुए आप स्वामी जी को पढ़ते रहें, आप स्वामी जी के उदाहरण को याद रखें और स्वामी जी के सिर्फ शिकागो में भाषण को नहीं याद रखें, उसके पहले कितनी विषम परिस्थितियों में वो वहां पहुंचे ये भी याद रखें। स्वामी जी को आज पूरा देश पूजता है इसे बस नहीं याद रखें, यह भी याद रखें कि देश के अंदर ही स्वामी जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। और हमेशा यह सोचें कि घर परिवार पड़ोस में भी कोई सम्मानित व्यक्ति भी गुजर जाता है, उसके 10-20-50 साल बाद हम उसे नहीं याद रख पाते। स्वामी जी के वक्तव्यों को याद रखते हैं, विचारों को याद रखते हैं, जीवन को याद रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो स्वामी जी में कितना कुछ होगा। तो हम स्वामी जी पर भी ध्यान करें, स्वामी जी के विचारों पर भी ध्यान करें और इन सारे विचारों को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। मुझे लगता है आज इतना ही कहना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।